मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में टीका मत्था, अष्ट पूजा, गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। पर्यटन को लेकर अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। मिर्जापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि गंगा यात्रा का ये पड़ाव बना है मिर्जापुर। गंगा यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही साथ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर में मत्था टेका है, तस्वीर आप देख सकते हैं। अष्टभुजा गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पर्यटन को लेकर अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तस्वीर देख सकते हैं मां विंध्यवासिनी के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विद्या जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। विद्या, जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, वो एक कदम और आगे बढ़ा है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी, सबसे पहले पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे, इसके बाद यहाँ से काफिले के साथ मां विंध्यवासिनी का सबसे पहले दर्शन पूजन किए हैं। इसके बाद थोड़ी सी गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे, वहाँ पे अधिकारियों के साथ कॉरिडोर को लेकर कुछ बातें करेंगे, वहाँ से फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलकर अटल चौक पहुंचेंगे, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहाँ से फिर निकलेंगे, भरवना चौराहा है, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद 1:30 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि मंच पर पहुंचेगा, जहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे गंगा यात्रा को लेकर, और कुछ सौगातें भी दे सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी, नजर बनाए रखिएगा विद्या, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।